ये देखो ये ड्रग्स देखो साइड वाले लोग भी आगे थे और ये लोग भी आगे थे लोग कहते थे क्या हो गया फिर हमें यार मैंने क्या करना यार मैंने तो गल कर यार मैंने गल कर पब्लिक नाल तुम लव है यार हेलो जी वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह 150 रुपया देगा भाई तो कैसे हैं आप सब अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग भाई सीन कुछ ऐसे है कि सीन बताने से पहले आप सबको सुनाता हूँ आपका भाई शेर तो चले शुरू करते हैं कर लो रजाइयां पाल लो जैकटा एसी पंखे कर दो बंद मेरे वल्लो सारेयां नु हैप्पी टंड और तेरे इश्क विच ओ पागल होई ये गाली दे रहा है कोई अच्छा जी अब सीन कुछ ऐसे है कि आज का व्लॉग हमारे चार आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई रात को व्लॉग की शूट होते हैं रात को इसलिए होते हैं हमें सोचा नहीं तो फिर भी बता देता हूँ मैं कि भाई रात को इसलिए व्लॉग शूट होते हैं क्योंकि सारे आते रात में इन लोगों के कॉलेज अकेडमीज का सीन होता है तो इसलिए रात को आते हैं और आपको पता है मैं फैमिली नहीं दिखाता हूँ तो इसी वजह से दोस्तों में सब व्लॉग शूट होते हैं तो खैर अब सीन ये है कि भाई मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में मगर क्यों सीन ये है कि लाइक मेरा भी प्लान नहीं था व्लॉग व्लॉग का लाइक आलियान और हसन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे प्लान बताया कि हमारा भाई आज करते हैं हम रोबड़ी अभी मजा आएगा ना भिड़ो आए मजा आएगा नहीं है भाई रोबड़ी का सीन है मैंने कहा किस पे करते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई जैन पे करते हैं तो जो भी व्लॉग देख रहे हैं उसके घर से भाई इन लोगों का प्लान था कि यार प्लान शन होता है क्योंकि सीन ये है कि ऐसे सीन होते रहते हैं अब मैं हूँ व्लॉगर तो मैंने व्लॉग की शुरुआत में भाई रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो शोर मेरा हो जाता है अब सीन ये है कि जैन पे करें रोबड़ी और कोई दोस्त वगैरह हैं इनके आलियान वगैरह के इन्होंने दो दोस्त बनाए अपने और वो मैंने देखे तो हैं मगर मैंने इनको कहा था कि अच्छे खासे अच्छे हेल्थ वाले लड़के चढ़ गए मज़ा तो आए मगर खैर मुझे नहीं पता तो खैर दो दोस्त आ रहे इनके और फिर उसके बाद हम बाइक चलते हैं और प्लान इनसे सुनते हैं कि भाई क्या प्लान है आखिरकार क्योंकि दोस्त इनके उन्होंने क्या समझाया उसको लेट्स गो 2000 years later जैसे मतलब के ना जैन भाई को हम लेके जाएंगे वो जो पठानों वाली गली है सुनसान उधर लेके जाएंगे मैं कहूंगा जैन भाई कैसे लेके जाएंगे सर क्या करने के चाह रहे हो ये मेरा प्लान बता दे उसको उठा के ना मतलब भाई भी बढ़ा देना उसको टॉर्चर करना फिजिकल टॉर्चर करना उसको रोबड़ी वगैरह का सीन रोबड़ी वाला नहीं उसको बस फला नहीं उसको कहना अपने उसको कहना अपने पियो का नंबर मैं बता दूं घर फोन करना अभी पहले मां भी जा पीछे मैं बता दूं क्या करना अच्छा जैन के पास जाएंगे पट्टी को ना पट्टी साहब अपना फोन पकड़ा देंगे ठीक है जान आया जान के पास कुछ है नहीं अच्छा तेरे को की है तेरे को की अच्छा नहीं कुछ बैग है अच्छा मतलब कि तू ये कह रहा है कि सिर्फ हम लोग दूर खड़े हो और सिर्फ ये हम तीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो दूर खड़े होके हम और हसन ये करे मगर मेरा प्लान चेंज है थोड़ा सा यार मेरा प्लान सुनो यार चल भाई मेरा प्लान ये है कि हम सारे जाते हैं और हम कहेंगे कि मैं खाना खिला रहा हूँ जब मैंने ये कहना है कि मैं खाना खिला रहा हूँ तो भाई जैन ने भी आ जाना है सब ने आ जाना है और फिर जब सीन होगा वो बीच में बंदे आ जाए वहीं पे बाइक चेक रोक ली अपनी कि भाई अपने अपने वो निकालो सामान फोन से होगा मेरा उन्हें कहूँगा यार जी मेरे पास आइए पकड़ लो आप और फिर वो एक बंदा उनके साथ होगा वो पीछे से आगे जाना वो फोन पकड़ा देगा मुझे अब बताओ कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है यही वाला सही खाना खिला रहे हो आप मस्त प्लान है सुनसान गली पूरी सुनसान गली अच्छा जी बेसिन ये कि रोबड़ी कौन है पीछे मेरे याद हुए भाई बहुत सुनसान गली इसके अब भाई हमारा प्लान देखिए भाई रोबड़ी करनी है और हमारा शिकार आ जाए जैन भी करना है अब जो प्लान है ना क्योंकि कुछ लोग हम लेके आए भाई नए लेके आए बाइक से अच्छा और वो हमारे बीच में शामिल हो गए और हम जो हम लोग होंगे हम कहेंगे भाई खाना शाना खाने चलते हैं और बीच में सीन हो जाएगा जो आइडिया ना जो प्लान है कॉल काट के निकल आएंगे और जो प्लान है वो आएंगे प्लान बताएगा अली खान मैं अभी हम वो लड़के लेके आए हैं ठीक है हमने प्लान बनाया कि हम इधर आएंगे जैन कॉलेज हम कहेंगे यहाँ सामने कोयटा रेस्टोरेंट चाय पिलाते ठीक हो गया आएंगे यहाँ से ढूंढेंगे हम घर से ना अमाल भी उनको कॉल कर देंगे अनस को ठीक हो गया मैं करने को कॉल कर ओके हो गया ओके हो गया अनस के दोस्त हैं वही ठीक हो गया वो हम यहाँ पे आके ना यहाँ पे सीन हो जाएगा यहाँ पे आके बस पटिकेगा मैं यार थक गया हूँ बैठ जाते हैं ठीक हो गया ठीक है ऐसे यहाँ से आएंगे वो लड़के
आपस की बात बताऊँ भाई, मेरे सुनसान जगह देखे ना मेरे शार्ट हो रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। रोबी का शुक्र होगा जहन के ऊपर। और ये भाई अल्लाह की कसम स्क्रिप्ट कोई नहीं है, और ये हमने ऐसी प्लान किया, और ये जगह सुनसान जगह। अब थोड़ी देर तक यहाँ आते हैं, क्योंकि बंदे शंदे जो थे वो जहन वगैरह ने किए हैं, और वो बंदे शंदे हो गए। लिख लो यहाँ से मोड़, यहाँ से मोड़। जगह थोड़ी ऐसी है, मगर हम अगर जान जगह देख रहे हैं ब्लॉग, तो मैं आपको बता दूँ कि हम साथ साथ ही रहेंगे और पीछे रहेंगे, ये समस्या वाली बात नहीं है। शुक्र मेला होता है दोस्तों ने भी। अच्छा यार, ये आप लोगों को दिमाग से दे रहे हैं हम लोग, ये मार्क्स पहन लो। ये दो भाई हैं जो कि शामिल होंगे हमारे बीच में, रोबड़ी करने लगे जैन के ऊपर। ऐसे जैन जानते तो नहीं ना आप लोगों को। बस ठीक है, आप लोग यहाँ पे रहो, मैं सिर्फ उसको करता हूँ कॉल, तो आप लोग आ जाना भी। ठीक हो गया, चल बैठ गया। यार बात सुन, क्या मैंने समझाया था जरा बताना। बिल्कुल ऐसे करना है, ताकि पिस्टल मुंह में चला देना, और ये फोन वापस करना है क्योंकि इसे रिकॉर्ड करना है। आपने फोन लेके जाना ना, जब जैन को बिठाना ना, आपने पकड़ना है फोन, आपने ऐसे पकड़ा, वापस पकड़ा दूंगा। मगर आप लोगों ने थोड़ा सही से करना है हमें, कि मतलब हमारे भी वो रिचार्ज हो गए। ठीक हो गया, ठीक है, ओके करो यार। मैं अपने बंदों को चाय से पहले लेके जा रहा हूँ। बता यार आगे भाई, रिश्ता कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। ये कह रहे थे यार भैया, हम आपके ब्लॉग चलाने आते हैं। तुमने बड़ी जोर से मारी है, तुमने बड़ी जोर से मारे यार, तुम लोग सॉरी अंकल, तुम लोगों ने बड़ी जोर से मारा यार। मोबाइल गिरते थे, पैसे तुम्हें भरने पड़ते हैं, तुम्हें लगा पता। तुम लोगों ने मेरी टांग पे सीधा आके मारी है, कोई ब्रेक शेक नहीं थी इसकी ब्रेक शेक नहीं। इतने साल मैं बगैर आदमी जा रहे हैं, बस वो हम जा रहे हैं, सारे लोगों को बस जा रहे हैं, माजरत आज जा रहे हैं, चल जा रहे हैं, बस ये शो ना करो यार, चलाओ चले यहाँ से, चलो स्क्रिप्टेड में देखेंगे क्या हो गया सारा, मतलब प्लान। लोग बोलते हैं मगर स्क्रिप्टेड नहीं था, देखा अगर हो तो भी ऐसी चोट नहीं लगती, बाइक लेके मुझे आके ऐसा हुआ, ये दिखा दो शक्ल, ये देखिए ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे बंदे को पकड़ के देख लो भाई, ये लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड भाई, ये बिल्कुल सीन रियल हुआ और बजिया मुझे आके। यार जैन मेरे साथ इसलिए आ जा रहे हैं, मैं कहा चाय पिलाता हूँ जैन साहब, आपकी चाय कैसे प्रैंक करना था जैन भी, आपको प्रैंक करना था मैं, अगर प्रैंक क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा आ गई थी यहाँ पे, साइड सारे आ गए थे यार, काम खराब हो गया था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू रोबर्ट से प्रैंक हमारा कौन रॉन्ग हो गया, और जैन भाई जानते थे इन्हें, और जब जैन ने इनका मास्क उतारा तो जैन ने देख लिया कि मेरा दोस्त है, और सीन ये हुआ था कि भाई मुझे लगी थी पीछे से आके, और मुझे वाकई बड़ी जोर से लगी है, मगर मेरे बच्चे को तुम लोगों ने सीधा ही आगे यार मारी है, क्या सोचा होगा तुम लोगों ने? एक्टिंग अच्छी की, सीधे रिश्तेदार बीच में ला करने के बाइक मार दिया, पकड़ लिया। खैर भाई शुगल हो गया, अगर यहाँ पे ये भाई जैन का दोस्त होता ना, तो हेली शेली होता तो शायद कोई सीन बनी हो जाता। जो बात है भाई, हमारा सीन ये था कि जैन भाई ने अचानक से अपने दोस्त को, अगर कोई होता तो शायद मुश्किल होती, मगर सीन ये था कि भाई साइड से माम आ गई थी, और बंदा कहेगा अपने घर फोन कर, 1,00,000 1 करोड़ का ताबून मंगवा, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अच्छा
अच्छा जी सीन ये था कि जैन था पता, और फिर लोग चौक भी आ गए थे, और क्योंकि वो लड़के कितनी सेहत सूझ रही थी मेरे, कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, मैंने को कहा था कि अच्छे अच्छे लड़के लेके आओ ताकि मजा तो आए, मगर वो मुझे सच में लगी है यहाँ पे बहुत ज्यादा बात पता गया है लड़के ये जो आपने बुलाई है सही, तो मैंने इनको कहा था पहले कि लड़के सही, हां लड़के फाड़ी है कहते ना, हां मगर इनको एक हाथ ना चौके विच बांधे जो बात चल जाने दे, कहने शॉट हो जाना ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही होना, बट यार हमारे जैसा बंदा शॉट हो जाए, हमारे जैसे ही हो जाना था, जो सी बात है हमारे जैसा बंदा शॉट हो जाए भाई, मगर खैर ब्लॉग में पसंद आ गया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना लाजमी करना भाई, लोग लोगों करते खत्म अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।